सो गाइज, आप में से काफी ज्यादा लोग ऐसे जो क्लैश रॉयल खेलते हैं या फिर कस्टम भाई यार दिन रात खेलते रहते हैं, तो भाई लोग आपके साथ क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कभी भी भाई यार क्लोज रेंज में फाइट लेते हो तो भाई आप कभी कभी मर जाते हो, या उसके बाद आपके फ्रेंड्स कहते हैं भाई तो नूब है, तो फिर आप बाहर बताते हो कि भाई यार नेट चले गया था, एम लॉक नहीं हुआ, पता नहीं ये वो सब। तो भाई लोग आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को देखना और इसके बाद आप नहीं आपका एनिमी मरेगा 100% में से लिख के ले लो। मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो कि यार लेजेंड प्लेयर्स यूज करते हैं क्लोज रेंज फाइट के अंदर। हाँ भाई लोगों, कुछ लेजेंड प्लेयर्स इन्हीं टिप्स का यूज करते हैं जब भी वो क्लोज रेंज में फाइट करते हैं। भाई यार तो कस्टम में कितनी ज्यादा क्लोज रेंज की फाइट यार इंपॉर्टेंट होती है विन करना, वो आपसे बेटर कौन जाता है भाई, सभी बंदे जानते हैं। तो यार आपको क्या करना है, बस यार इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। इसके बाद आप नहीं भाई आपका अपोनेंट का एनिमी मरेगा और आपकी तारीफ होने लग जाएगी अपनी स्क्वाड में। तो चलो भाई लोगों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो भी बंदा चैनल पर न्यू आ रहा था भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों का शेयर कर देना। तो चलो भाई लोगों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो कि हमारी सबसे पहली ट्रिक आती है भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लेजेंड प्लेयर ये इस्तेमाल करते हैं, प्रोन एंड फायर। हाँ भाई, प्रोन एंड फायर में क्या होता है भाई, देखो जैसे कि भाई मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, और भाई ये जो भाई यार जो ये ट्रिक है वो अपने सर्वर की नहीं है, बाहर के सर्वर के भाई काफी प्रो प्लेयर ये यूज करते हैं, लेजेंड प्लेयर भी। भाई यार इस बंदे को जैसे मैंने डैमेज दिया, इसने कहा पीछे कोई बंदा मारा है, इसको पता नहीं चल रहा भाई, देख सकते हो यहाँ पे प्रोन फायर करके आराम से बंदों को ले रहा हूँ, ठीक है, किल उन्हें सभी का ले रहा हूँ। तो आपको जस्ट क्या करना है, प्रोन फायर भाई यार आपको एकदम भाई टिप मतलब यार इस्तेमाल कर लेनी, और भाई यार एकदम इसमें परफेक्ट बन जाना, जिससे क्या होगा कि जब कभी भी आप यार अपने अपोनेंट से एनिमी से लड़ोगे तो भाई गाइस यार एनिमी को ये तक पता नहीं चलेगा कि भाई यार आप कहाँ से मारो उसको। तो पहली बात, अगर आप फाइट चल ली आप दोनों की, ठीक है, तो मतलब यार आप अचानक से लेट जाओगे, पोन हो जाओगे, तो गाइस एनिमी को क्या लगेगा भाई कि अल्ले भाई ये अभी अभी खड़ा ही था, अचानक से नॉक कैसे हो गया, तो भाई वो एम करना बंद कर देगा और भाई इधर उधर देखने लगेगा। अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो 100% ट्रिक आपके काम में आने वाली है, जैसे कि भाई यार देख सकते हो भाई कैसे आराम से बंदों को मारो, बंदों को पता भी नहीं चल रहा भाई मैं कितने बंदों को ले जा रहा हूँ, ठीक है, पोन फायर, उनको ये लग रहा है कि भाई अभी तो बंदा यहीं खड़ा था, भाई अचानक से नॉक कैसे हो गया। भाई आपको ये करो तो भाई बंदा लिटरली शॉक हो जाएगा सामने की, भाई यार अभी तक तो यही खड़ा था आराम से फाइट ले रहा था, अचानक से नॉक कैसे हो गया। तो जिसका फायदा उठा के आराम से एनिमी को खत्म कर दोगे, और जो भी आपका फ्रेंड्स आपको वॉच कर रहा होगा, मतलब यार जो अगर आपको कोई फ्रेंड मर के आपको देख रहा होगा तो वो भी कहेगा भाई यार कैसे मारा, मतलब यार बंदा माइंड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो भाई इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके भाई यार इज्जत बनेगी, भाई यार कि भाई बंदा तो भाई क्या ही खेलने लग गया आजकल, ठीक है। तो भाई यार यही टिप्स है भाई यार, एक तो सबसे पहले ट्रिक और बता दो, अपने इंडियन सर्वर के नहीं है, बाहर के सर्वर में काफी लेजेंड प्लेयर जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर भाई लोग आप भी ये ट्रिक यूज करोगे ना तो पक्का है भाई यार आपका एनिमी मरेगा। एंड गाइस यार ये काफी मतलब कम बंदे यूज करते हैं भाई यार, काफी कम बंदे यूज करते हैं, जिस वजह से यार ये ट्रिक काफी कम बंदों को ही नॉलेज है इस ट्रिक के बारे में, जिस वजह से क्या होगा कि भाई अगर आप ऐसे करके मारोगे ना बंदे को तो भाई बंदे को खबर भी लगेगी भाई यार आपने कब उसको मार दिया और भाई कहां से मार दिया, ठीक है। तो भाई यार ये आपको एक तो प्रॉपर यूज कर लेनी है, तो भाई उम्मीद करता हूं पहले ट्रिक तो मजेदार है ही और आपको पसंद भी आई होगी, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते, भाई यार वो काफी मतलब यूज आएगी आपके भाई जब कभी भी आप मतलब यार ग्लू वॉल के अंदर, और कितनी बार आपके ऐसे फाइट में होते हैं कि क्लोज रेंज में आप यार कभी कभी एक ही ग्लू वॉल के अंदर पैक होते हो या फिर एक ही घर के अंदर होते हो, तो भाई एनिमी को मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। बट क्या होता है, एनिमी यार कभी कभी आपको मार लेता है भाई कैसे भी करके, ठीक है। तो जब भी यार आप कभी मान लो कि ग्लू वॉल के अंदर फंस जाते हो तो एक किसी भी एनिमी के साथ या फिर किसी भी भाई यार क्लोज रेंज के अंदर आपकी फाइट हो रही है, आप घर के अंदर फंस चुके हो या फिर आपके मतलब यार फाइट चल रही है एकदम क्लोज रेंज में, तो ये ट्रिक आपके भाई काफी ज्यादा यूज आएगी जो कि हमारी अगली ट्रिप होने वाली है। तो चलो भाई बिना किसी देरी के उस अगली ट्रिप बताता हूँ मैं आपको। सो गाइस यार, जो कि हमारी अगली टिप होने वाली है वो है भाई जंप एंड फायर, ठीक है। तो भाई समझ ही गए होंगे जंप एंड फायर तो किसी का क्या होगा भाई, इसमें आपको बस लिटरली जंप करते रहना, ठीक है। जैसे कि अभी भी देख सकते हो यार इतने बंदे हमारे साथ यहाँ पे फाइट चल रही है मेरी, इतने सारे बंदों की, मैं ही नहीं मर रहा बाकी सब बंदे मर रहे, क्यों, क्योंकि भाई मैं जंप एंड फायर कर रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है भाई मेरे को डैमेज भी कम से कम पड़ रहा है, मेरा एम भी लॉक हो रहा है, और भाई यार जब जब आप जंप एंड फायर करोगे आपका एम तो लॉक हो ही रखा है, तो भाई कभी कभी बाई चांस भाई एनिमी के हेड में भी चले जाते भाई यार एम, जैसे कि यहाँ पे भी दो बंदों से फाइट हो रही है मेरी, बट भाई मैं नहीं मर रहा हूँ, ठीक है। जंप एंड फायर करने से क्या होगा, आपको सबसे पहली बात तो डैमेज कम से कम पड़ेगा भाई, लिटरली कम से कम डैमेज पड़ेगा, ठीक है, जिससे बंदे का एम आप में तो लॉक होएगा नहीं, आपका एम हमेशा बंदे के ऊपर लॉक हो जाएगा, और लॉक होने के बाद क्या होगा, जब जब आप जंप एंड फायर करोगे तो भाई आपके ज्यादा से ज्यादा चांस रहते हैं हेडशॉट पड़ने के। इस क्लिप में भी देखना भाई, जैसे मैंने इस बंदे को डैमेज दिया, ये बंदा भाग लेकर मैं जंप एंड फायर करते करते इसको मार रहा हूँ, ठीक है, कुछ गोली नहीं लगी, लेकिन एक गोली जाके लगी इसके सीधा हेड में, जिससे बंदे का काम हो चुका है तमाम, ठीक है। तो भाई ये टिप भाई यार आपको प्रॉपरली यार यूज करनी, और काफी बंदे यार जंप एंड फायर बट बंदे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेड लेने की ट्राई करते हैं जंप एंड फायर के, भाई यार बंदे को डैमेज देने की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट मारने की ट्राई करते हैं, जिस वजह से उनका सामने वाला अपोनेंट जो होता है एनिमी वो भाई उनको आराम से भाई यार मार लेता है। तो आपको जंप एंड फायर तो करना ही करना है क्लोज रेंज, जब भी आप कभी ग्लू वॉल के अंदर पैक हो जाओगे तो भाई ये काफी ज्यादा ट्रिक यार यूज आएगी। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा या तो भाई यार जंप एंड फायर ही करेगा या फिर क्या करेगा, नीचे बैठ के
आपको एम करने की ट्राई करेगा कि एम आप में लॉक हो जाए, ठीक है। आप जैसे क्या करोगे, आप जंप एंड फायर करते करते भाई उसको मारोगे तो एम तो आपका पक्का ही लगेगा, डैमेज उस बंदे को पक्का ही है, तो लेकिन उसके हेड पे एम गया तो भाई यार बंदा एक और दो गोली में खत्म। तो भाई इसलिए जंप एंड फायर की भाई जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लोज रेंज में फाइट जब जब होगी। तो भाई इस फाइट भाई यार इस ट्रिक को जरूर जरूर कर लेना भाई, ठीक है ना, मतलब यार दिमाग में बैठा लेना और नोट भी कर लेना। तो चलो भाई लोग अगली ट्रिप की तरफ बढ़ते हैं, अगली ट्रिक जो होने वाली वो काफ़ी भाई यार यूजफुल है आप सभी के लिए क्लोज रेंज में। तो चलो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। गाइस यार जो कि हमारी अगली ट्रिक है ना वो भाई यार आप इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आपको पता है जो कि हमारे फ्री फायर के अंदर जो डिफॉल्ट सिस्टम है, हाँ भाई यार जो कि भाई यार एम लॉक हो जाता है अचानक से, तो भाई यार डिफॉल्ट सिस्टम के लिए भाई यार ये भाई यार काफ़ी मतलब यूजफुल है भाई। डिफॉल्ट सिस्टम के मतलब देखो यहाँ पे मैं बंदे को मार रहा हूँ भाई, मेरा एम यहाँ पे लॉक है बट भी भाई यार बंदे को भाई नहीं लग रहा डैमेज, क्यों, क्योंकि भाई यार यहाँ पे अगर मेरे पास कोई और गन होती तो भाई यार मेरे जैसे कि यार यहाँ पे फ्री फायर की ट्रिक है ये। फ्री फायर से क्या होता है भाई, जैसे कि आपका एम है ना भाई ये बंदे किसी हेड में जाके चुके, बस आपको क्या करना है अपने एम को अपने सर के आसपास रखना है, जिससे भाई यार आपका जो डिफॉल्ट सिस्टम है भाई फ्री फायर के अंदर भाई यार उससे क्या होगा कि भाई आपका आराम से एम जाएगा एनिमी के हेड पे। और भाई यार इतनी भाई यूजफुल ट्रिक है कि भाई यार जब जब आप इसका यूज करोगे ना तो भाई यार एनिमी के चांसेस रहेंगे भाई हेड पे लगने पे, जैसे भाई उस क्लिप में देखा था आपने काफी बंदा थोड़े से रह गया था, अगर मेरे पास डेजर्ट ईगल की और कोई गन होती तो मैं आराम से उस बंदे को हेड दे देता, ठीक है। तो भाई यार फ्री फायर ट्रिप में यही है सिर्फ और सिर्फ कि यार आपको अपने क्या एम को भाई यार रखना है कम से कम अपने हेड के पोजीशन पे, ठीक है। तो भाई जिससे क्या होगा आपकी हेड लगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे और आपका एम लगने का जो भाई जो कि आपका एम जो लगता है बंदे की बॉडी पे वो कभी मिस नहीं होगा। जैसे अभी भी बंदा वुकोंग बन के आ रहा था, मैंने भाई यार आराम से भाई फ्री फायर करते हुए उसको मारा, ठीक है, तो भाई उसको एम लगा और भाई वुकोंग हटा और मैंने इजीली उस बंदे को ख़त्म कर लिया। तो फ्री फायर भाई हमेशा अपना जो भाई एम है ना भाई जो डॉट का एम आता है वो हमेशा अपने हेड के आसपास रखना है, जिससे क्या होगा आपको कभी भी, तो सबसे पहली बात आपका एम कभी भी मिस नहीं होगा, बंदे की बॉडी पे तो लगेगा ही लगेगा और हेड पे लगने के चांसेस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई लोगों हमारी बिना किसी देर के अगली जो कि हमारी ट्रिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्लोज रेंज भाई 100% भाई यार सबसे मतलब इंपॉर्टेंट यही है, तो वो है भाई वन टैप। हाँ भाई क्लोज रेंज में वन टैप कैसे मारे भाई, कैसे मारे जिससे कि बंदा मर जाए। तो देखो भाई यार अगले भाई यार यही है कि भाई क्लोज रेंज में वन टैप कितना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि भाई देख सकते हो अभी भी भाई ये बंदा भाई ने आराम से वन टैप मार खत्म किया, ठीक है। तो भाई वन टैप आपके लिए भाई यार इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफी ज्यादा भाई यार आपको पता है जो कि आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में दो ही गन मिलती है आपको, जो कि होती है डेजर्ट ईगल या फिर M500, ठीक है, M500 और भाई यार डेजर्ट ईगल आपको दो ही मतलब कि मिलती है गन। तो भाई यार इससे हेड मारना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर जब जब आप देखोगे कि यार कि बंदा यार आप काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है भाई वन टैप आपके लिए कितनी मदद करता है भाई, वन टैप से आप आराम से इजी बंदे को खत्म कर सकते हो भाई, जो कि आपके लिए भी काफ़ी मतलब यूजफुल होएगा, ठीक है, जिससे बंदा आराम से खत्म हो जाएगा। और भाई वन टैप कैसे मारे प्रॉपरली तो उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, ठीक है, वही वीडियो अभी यार कुछ ही दिनों में अपलोड हुई थी, तो भाई जरूर से उसको जाकर चेकआउट कर लो क्योंकि वो उसके आपका वन टैप आराम से लग जाएगा। तो चलो बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में भाई वन टैप का जो मैंने बताया वो इसलिए वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई वन टैप आप क्लोज रेंज में अगर आप मारते हो तो एनिमी आराम से खत्म हो जाएगा, क्लोज रेंज से या फिर दूर से भी मार तो भी बंदा आराम से खत्म तो हो ही जाएगा, बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो तो भाई वन टैप आपकी कितनी ज़्यादा मदद करेगा वो आपको पता ही है, जिस वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा भाई जो कि लेजेंड प्लेयर है वो वन टैप क्लोज रेंज में मारता था। भाई वन टैप आपको कैसा लगेगा आराम से तो वो उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई बता दूँ लिंक है दी भी, मैंने वीडियो अपलोड करी भी है तो जाके चेकआउट कर लो चलो जल्दी से। तो भाई लोगों यही थी आज के भाई यार बेस्ट टिप्स, तो उम्मीद करता हूँ सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ सभी के जो भी कस्टम वगैरह खेलते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए टिप्स एंड ट्रिक की। और भाई यार बता दूँ कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसकी, हेडशॉट कैसे मार सकते हो आप तो जाके चेकआउट कर लो। तो चलो भाई लोग आज के वीडियो में टाटा, मजा आया।